दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेक्टर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल का मकसद है आप तक सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुंचाना। तो ऐसी ही एक सरकारी नौकरी की नई इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी IES ऑफिसर कैसे बने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि IES या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ESE में ऐसे इंजीनियर शामिल होते हैं जो भारत सरकार के अधीन काम करते हैं। इन्हें क्लास वन के अधिकारी के रूप में शामिल किया जाता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से का प्रशासन करते हैं, जो भारतीय रेलवे, विद्युत दूरसंचार और केंद्रीय जल इंजीनियरिंग और इंजीनियरों की रक्षा सेवा और केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा का गठन करते हैं। इन नौकरशाहों के द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति काफ़ी हद तक उनकी इंजीनियरिंग शाखा और उनके द्वारा भर्ती की जाने वाली सेवा या कैडर पर निर्भर करती है। करियर की प्रगति, उच्च सम्मान प्राप्त करने के लिए ये आसानी से हो जाती है। इस पोस्ट में पहली प्राथमिकता सहायक कर्मचारी अभियंता और पदानुक्रम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर समाप्त होती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर में IAS होता क्या है? IAS सुन लिया, IPS सुन लिया, IFS सुन लिया, लेकिन IES क्या है? सो दोस्तों, IAS की परीक्षा का अर्थ है भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा। IAS लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के द्वारा सरकार के विभिन्न विभाग में टेक्नीशियंस और प्रबंधकीय कार्यों के निष्पादन और रखरखाव के लिए सिविल सेवा और अधिकारियों के पद पर अभ्यर्थियों की भर्ती करता है। IAS के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती है? तो दोस्तों, इसके अंतर्गत भारतीय रेलवे, विद्युत दूरसंचार, केंद्रीय जल इंजीनियरिंग, इंजीनियरों की रक्षा सेवा और केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा। सवाल आता है कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या हमारे अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसमें आपकी आयु सीमा 21 साल न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम आयु सीमा 30 साल है। अन्य पिछड़ा वर्ग और 3 साल की छूट मिलती है। SC ST वर्ग को 5 साल की छूट इसमें दी गई है। बात आती है शैक्षणिक योग्यताओं की, तो आवेदक के पास BTEC की डिग्री होना ज़रूरी है, साथ ही सिविल वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर होनी चाहिए। IAS परीक्षा की तैयारी कैसे करें? सवाल आता है, जवाब हम देंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? पहले जाइए और हमें फॉलो कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर साल IAS में लगभग लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। IAS परीक्षा कितनी कठिन होती है ये तो आप जानते ही होंगे। यहाँ IAS में सफलता प्राप्त करने के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दूंगी जो आपकी इस परीक्षा में सफल होने के लिए मदद कर सकती है। सबसे पहले है, ग्रेजुएशन के समय से ही तैयारी शुरू करें। जैसा मैंने कहा कि IAS एग्जाम की तैयारी उम्मीदवार को ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए उम्मीदवार स्नातक पाठ्यक्रम के दौरान अध्ययन के प्रत्येक विषय के बारे में सुनिश्चित करना चाहिए, अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए और कोई भी विषय छोड़नी नहीं चाहिए। याद रखें, ये परीक्षा बहुत कठिन है, तो इसकी तैयारी आप जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतना ही अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। दोस्तों, आत्मविश्वास रखें। जब तैयारी कर रहे हैं या पेपर देने जाते हैं तो अपने आप पर आप पूरा विश्वास रखें। जब आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो बहुत तार्किक रहें। अपने उत्तरों को, विषय के बारे में ज्ञान को प्रदर्शित करना सीखें, इसलिए गहराइयों से सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। साथ ही पिछले साल के पेपर्स सॉल्व करें जितना संभव हो। पिछले साल के एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इस साल में किस लेवल तक आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको परीक्षा का पैटर्न समझ में आ जाएगा और दूसरा आप परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे।
सो मैंने आज आपको बताया कि एक आईएएस ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं, आईएएस होता क्या है, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा हो सकता है और पोस्ट कौन सी होती है, योग्यताएं क्या होती है, इन सभी के बारे की जानकारी मैंने आपको आज इस छोटे से वीडियो में दी है। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा की गई ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई और सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए स्टडी सेक्टर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।